खिलाकर रख दिया क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी शिफ्ट टू जेई मेन का क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने वाकई बहुत अच्छा किया लिख कर भेजा सर व्हाट्स द करेक्ट आंसर ऑफ इट इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक है सो so, क्वेश्चनिंग क्या है आइडेंटिफाई द लॉजिक इट तार्किक द्वार को है। और इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीआर लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज कंसेपचुअली स्ट्रांग नहीं होता है और जो कंसेपचुअली स्ट्रांग होते हैं वो आसानी से कर देते हैं अब पहली चीज़ तो स्टूडेंट को ये फील होता है कि सर ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लॉजिक गेट तो है इसमें तो बल्ब है इसमें तो स्विचेस हैं तो उस थीम को समझिएगा ठीक है मैं आपको समझाता हूँ सो यू सी द क्वेश्चन आपको दिस इज़ प्लस फाइव फोल्ट ये ग्राउंड है प्लस फाइव वोल्ट है इसको भू संपर्कित कर रखा है और यहां दो कुंजिया लगा रखे हैं टू स्विचेस आर देयर एस वन एंड एस टू ये एस टू कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट मैंने एस वन लिखा है सो देयर आर टू स्विचेस एस वन एंड एस टू दो कुंजिया हैं और भू संपर्कित करने से पहले ग्राउंड करने से पहले देयर इज अ रेजिस्टेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और कहा गया है कि इस तार्किक द्वार को पहचानी है या आइडेंटिफाई दिस लॉजिक गेट एंड द ऑप्शंस आर एंड और नॉट एंड नेंट एग्रीड स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हुए कि कई सारे वीडियो सॉल्यूशंस अलग-अलग आंसर्सिस इसके दे रहे हैं सो सीक वेरी करेक्टली मजा आएगा आपको सब लोगों को व्हाट आई एम सेइंग पहले लॉजिक समझिए पहले लॉजिक समझिए ये चीजें इनपुट्स पे हैं तो जब भी स्विच S1 और S2 ये समय ओपन है तो जब भी स्विच ओपन होगा आप इनपुट को ट्रीट कीजिएगा जीरो जीरो जीर। इनपुट है ये स्विच S1 ओपन है इसका मतलब इनपुट जीरो है ये स्विच एस टू ओपन है इसका मतलब दूसरा इनपुट भी जीरो है तो इनपुट को आप यूजली ए और बी लिखते हैं तो मैं यहां ए और बी लिख देता हूं और आपने कहा ए या तो जीरो होगा या वन होगा स्विच यदि क्लोज है तो वन और स्विच यदि ओपन है तो जीरो और बल्ब यदि ग्लो करेगा ग्लो करता है ये आउटपुट है आपका इसको मैं वाय लिख देता हूं इट इज बल्ब है ना कमाल की चीज तो यदि बल्ब ग्लो करता है तो आप मुझे जवाब देंगे दैट ग्लो बल्ब जब करेगा तो वन और ग्लो नहीं करेगा इट इज नॉट ग्लोइंग इट मीन जीरो तो इनपुट आउटपुट रिलेशन आपको क्लियर हो गया हाँ ये मुस्कान जबरदस्त है अब जब इनपुट आउटपुट रिलेशन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं यार वैसे तो जो अच्छे बच्चे वो कहेंगे बल्ब इज ए रजिस्ट्रिव डिवाइस बल्ब एक प्रतिरोधी युक्ति है देन टेक द डिसीजन जो जो लिया स्टूडेंट ने बहुत फॉर्मली और वो कमाल है तो स्टूडेंट मुझे कहता है सर अवेलेबल हो या नहीं हो लेकिन ये हायर पोटेंशियल है बल्ब का रेजिस्टेंस यहां मैंने आर सब्स भी कर दिया तो फिर आपका करंट इस रेजिस्टेंस आर से होता हुआ, हुआ कहा जाएगा इट विल रीच टू द्राउंड आई एम शोइंग मैंने यहां शो किया इसको यह हायर पोटेंशियल से करंट चला आ, भी ये बल्ब का रजिस्टेंस है यहां से होता हुआ और फिर रेजिस्टेंस आर से होता हुआ इट इज रीचिंग टू द ग्राउंड एंड दिस इज जीरो जीरो समझ गए आप मेरी बात को तो स्टूडेंट कहता है सर स्विच एस वन और एस टू ओपन हो या ना हो इस समय इरेस्पेक्टिव टू दैट करंट इज फ्लोइंग एंड द बल्ब इज ग्लोइंग एंड इफ बल्ब इज वी विल से वन तो आप सबसे पहले इसे दोनों को क्या कर रखा है ओपन जीरो जीरो बल्ब ग्लो कर रहा है वन अब आप इसे इसे उठा के स्विच ऑन कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि करंट जा ही नहीं सकता तो एस वन कितना हो गया वन एस टू कितना है और 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 ये ये बल्ब का ग्लोइंग क्या है वाई या नॉन ग्लोइंग ठीक है अब आप कहेंगे सर वन जीरो बल्ब ग्लो करेगा वन सपोज मैं इसे ओपन रखूं और इसे क्लोज कर दूं क्या होना है इट इज जीरोज वन जीरो वन अभी भी करंट तो जा रहा है बल्बलो सो जीरोनाक चीज है तो मैं रेड ले कलर लेता हूं आई एम गोइंग थ्रू रेड कलर नाउ अब खतरनाक है आपने इससे भी क्लोज किया और आपने इससे भी क्लोज किया अब अब समझिएगा यू बी वेरी वेरी केयरफुल देन यू विल से टू मी सर ये जो आपका टर्मिनल है इफ यू आर कॉलिंग इट स्मॉल ए मैं इसको स्मॉल ए कहूं ठीक है ना तो ये फॉर्म लाइन है यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये आपका प्लस फाइव वोल्ट पर और यहां से कंटिन्यूटी 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 सतत है तो ये, ये एक ही टर्मिनल है ए यहां तक एंड ये भी कितने पर प्लस फाइव पर ये भी प्लस फाइव वोल्ट पर और इस रेजिस्टेंस से तो करंट जाएगा फाइव से जीरो तो जाएगा बट अब आप मुझे देख के बताइए बल्ब का एक टर्मिनल कितने वोल्ट पर है फाइव वोल्ट पर बल्ब का दूसरा टर्मिनल कितने वोल्ट पर है वो भी फाइव वोल्ट पर तो मेरा स्टूडेंट कहता है सर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा हा यही इंपोर्टेंट था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही गलती की है आपने जैसे ही इसको क्लोज किया इसको क्लोज किया आप कहेंगे सर फर्म लाइन हो गया और आपका ये टर्मिनल भी है यहां तक है मींस पोटेंशियल सेम तो ये भी फाइव फोल्ड पे ये सब फाइव फोल्ट पे बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि कोई हायर लोअर नहीं है तो आप कहेंगे बल्ब में से करंट फ्लो नहीं होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा और ग्लो नहीं करेगा तो जीरो मींस जब ये क्लोज है वन ये भी क्लोज है वन तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करता मींस इट विल बी जीरो अब समझिएगा यदि ये एंड गेट होता एंड बहुत जल्दी कर रहा हूं तो आप मुझे कहते जीरो 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 आप मुझे जीरो वन को क्या कहते हैं जीरो ठीक है आप वन जीरो को भी क्या कहते हैं जीरो और वन वन को क्या कहते हैं वन अब इसके आगे नोट लगा दीजिए तो जाएगा, 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 जाएगा वन और जीरो मींस ये एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है और एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन नैंड कहलाता है तो डियर स्टूडेंट्स इट इज नैंड गेट एग्रिंट एग्रिंट ये नैंड गेट है यस yes. जो नैंड टिक करके आए, दे आर गेटिंग प्लस फोर बाकी की बात नहीं कर रहे यार छोड़ो हटाओ जिसका गलत हुआ है वो भी भूल जाओ कुछ नहीं हुआ यार क्या हो गया उससे बट जिनका जिन्होंने एग्जाम अब देना है वो थोड़े सावधान हो जाएं, वो थोड़े सावधान हो जाएं। बट ये मेमोरी बेस्ड है अब कई जगह पर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कई सारी जगह पर वेरियस चैनल से क्या किया हुआ है गायब किया हुआ है डायरेक्टली इसको क्या कर रखा है डायरेक्टली इसको ग्राउंड कर रखा है एंड देन लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बी केयरफुल यदि ऐसी कंडीशन है ना देन यू से आप जैसे इसे भी क्लोज करेंगे इसे भी क्लोज करेंगे डायरेक्टली 5 वोल्ट 0 वोल्ट से शॉर्ट होगा एंड ह्यूज करंट फ्लो होगा क्योंकि इस समय यहां से लेके यहां तक 5 वोल्ट को आपने सीधा 0 वोल्ट से कनेक्ट करने का कोशिश किया है देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल देन द करंट इज ह्यूज ह्यूज वन और उस समय आप कहेंगे देन देयर इज देयर कैन बी द फायर तो ये जो आपका सर्किट है ये टेक्निकली इनकरेक्ट है टेक्निकली इनकरेक्ट है डेफिनेटली यहां रेजिस्टेंस होना चाहिए तो ये भी कहीं पर है तो उसे भी समझ लीजिए मीन वट एवर यू आर व्यूइंग अब आपको पता है वॉट इज करेक्ट एंड वॉट इज इनकरेक्ट और आपको ये भी पता है कि इसका जो आंसर है द आंसर इज है ना बस इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे आप उन्हें करेक्ट करते रहिए ये मोशन है यहाँ सिर्फ भरोसा है भरोसे के अतिरिक्त कुछ नहीं शुक्रिया धन्यवाद